चमकी बुखार ने इन दिनों बिहार का हाल बेहाल कर रखा है। प्रशासन समझ नहीं पा रही है कि आखिर इससे कैसे निपटना है। चमकी बुखार से लगातार कई दिनों से बच्चों के मरने की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग काफ़ी गंभीर है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके चमकी बुखार के बारे में बताया है। उन्होंने इस जानकारी में ये भी बताया है कि इस बीमारी के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको वो नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं चमकी बुखार के दौरान होने वाले लक्षणों को। चमकी बुखार के दौरान बच्चों को तेज बुखार आता है। इसके अलावे शरीर का कोई खास अंग जो होता है वो ऐंठने लगता है, यानी कि शरीर के किसी खास अंग में दर्द होने लगता है, हाथ पाँव या कहीं भी। उसके अलावे बच्चों का जो होता है दांत पर दांत चढ़ने लगता है। बच्चे जो होते हैं वो सुस्त होने लगते हैं या फिर बेहोश हो सकते हैं। चींटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होता है। तो ये जो थे चमकी बुखार के लक्षण थे। अब हम आगे आपको बता देते हैं इसके लिए आपको उपचार क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो आपको सबसे पहले तुरंत बिहार स्वास्थ्य विभाग को, यानी कि आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए 102 नंबर पे, जो कि बिल्कुल निशुल्क है, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। इसके अलावा आप स्वयं से भी कुछ एहतियात बरत सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसके लिए आपको अपने बच्चों को तेज धूप से बचाना है। अपने बच्चों को दिन में 2 बार स्नान कराना है। गर्मी के दिनों में बच्चों को ORS अथवा नींबू पानी का घोल है, ये आपको दिन में 2-3-4 बार जितनी बार पिला सके पिलाते रहना है। रात को बच्चों को भरपेट खाना खिला के ही सुलाना है, यानी कि आपको बच्चों को भूखे नहीं सुलाना है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर बच्चे का बुखार तेज हो तो आप पंखा तेज चला सकते हैं, जिससे कि बच्चों का जो बुखार का टेम्परेचर है वो कम हो जाए। इसके अलावा आपको दवाई में अपने तरफ से सिर्फ पैरासीटामोल की गोली लेनी है। इसके अलावा कोई भी दूसरी दवाई नहीं लेनी है। पैरासीटामोल यानी कि आप क्रोसिन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका बच्चा अगर बेहोश नहीं है, इस अवस्था में आप उसे साफ पानी पिला सकते हैं या ORS का घोल दे सकते हैं। बेहोशी मिर्गी के अवस्था में बच्चे को छायादार या हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी आने के दशा में मरीज को बाएं दाएं करवटे लिटाकर ले जाएं। बच्चे के शरीर को कपड़े हटा लें, यानी कि बच्चे के शरीर से कपड़ा हटा दें ताकि गर्मी कुछ कम हो जाए। गर्दन सीधा रखें। अगर मुंह से लार या झाग निकल रहा हो तो साफ कपड़े से पोछें, जिससे कि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। कपड़े का ध्यान रखिए, बिल्कुल साफ कपड़ा आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि गंदे मैले कुचैले कपड़ों से इन्फेक्शन और बढ़ जाती है। तेज रोशनी से बचने के लिए मरीज के आंखों पर हल्की सी पट्टी बांध दें या कपड़ा से ढक दें। अगर बच्चे दिन में लीची का सेवन करते हैं तो रात को उसे भरपेट खाना खिलाएं। बेहतर यह रहेगा कि आप इस समय बच्चे को लीची ना ही दें। तो ये थे जो आपको चीज़ें करनी है चमकी बीमारी के दौरान। इसके अलावा कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, आपको अपने बच्चे को अगर लीची देना है तो खाली पेट बिल्कुल ही ना दे। वैसे तो बेहतर रहेगा कि थोड़ा सा परहेज करें, बच्चे को लीची ना ही दे। इसके अलावा अधपके या कच्चे लीची नहीं देना है। इसके अलावा बच्चे को गर्म कपड़े में ना लपेटना है, यानी कि गर्म कपड़े नहीं पहनाना है, हल्के कपड़े पहनाना है। इसके अलावा बच्चे के नाक को कभी बंद नहीं करना, आप देखते रहिएगा, नेजल ड्रॉप वगैरह का इस्तेमाल कर लें। बेहोशी या मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुंह में कुछ भी ना रखें। अगर बच्चा बेहोश हो गया तो उसके मुँह में कुछ भी ना रखें। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें। चूँकि यह दैनिक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी के चक्कर में आप समय नष्ट ना करें, यानी कि आपको ओझा गुनी भूत दूत प्रेत के चक्कर में आपको समय व्यतीत नहीं करना है। इससे आपको डॉक्टर के पास जाने में विलंब हो सकता है, तो मामला गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। आपको मैंने
एम्बुलेंस का नंबर 102 पहले ही बता दिया है। इसके अलावा बच्चे के बिस्तर पर नहीं बैठना है, मरीज को बिना वजह तंग नहीं करना है। ध्यान रखिए, बच्चे का बिस्तर पर बैठने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को छुआछूत ऐसे कुछ है। आप बच्चे का जो बेड होता है वो अगर आप उस पर जाते हैं तो आपको ये देखना है कि आप साफ सुथरा है कि नहीं, क्योंकि आप से भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे से आपको खतरा नहीं, आपसे बच्चे को खतरा है। इसके अलावा ध्यान रहे मरीज के पास शोर ना करे और वातावरण जो है शांत बनाए रखें। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे या फिर इस वीडियो में जो बातें कही गई वो लोगों तक पहुंचा दे, ताकि बिहार में ये जो चमकी बीमारी चल रही है इससे लोगों को बचाया जा सके। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद।